Hello and welcome back everyone. This is Mohammed Sawaz Alam and you are watching Ramadan Tutorial, your door to the future. West Bengal Board Class 3 के माध्यमिक के कैंडिडेट्स के लिए फिजिकल साइंस में मोर देन 90 स्कोर करने के टिप्स और ट्रिक्स पर आज का वीडियो है। आज के इस वीडियो में मैं आपको हेल्प करने वाला हूँ कैसे आप अपनी सिस्टमेटिक स्टडी बना कर सकते हैं, कैसे कम टाइम में अपने मार्क्स को बूस्ट कर सकते हैं। इन टिप्स और ट्रिक्स को समझने के लिए, जानने के लिए आज के इस वीडियो को देख सकते हैं। You are continuing the video, that means you are interested in watching this, right? You are interested in knowing this कि कैसे हम अपने कम मेहनत के साथ अब इस बचे हुए टाइम में अपनी प्रोडक्ट आउटपुट को बढ़ा सकते हैं। आउटपुट को बढ़ाने के लिए आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ हार्ड वर्क। हार्ड वर्क जिन लोगों ने अब तक किया हुआ है उनके लिए ये वीडियो इस तरह से हो सकती है कि किस तरह से आप रिमेनिंग टाइम में अपने वर्क को और एफिशियंट बनाए। आज के इस वीडियो में हमारा टारगेट है हाउ टू स्कोर मोर देन 90। क्या वो टिप्स और क्या ट्रिक्स है ये सब मैं आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आपको पता होना चाहिए कि ये इस पार्ट का, इस सीरीज का सेकंड वीडियो है। पार्ट वन में हम लोगों ने इसके कंटेंट में से नोइंग द सिलेबस और स्टडी ब्लूप्रिंट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम सिस्टमेटिक स्टडी और क्वेश्चन पेपर एनालिसिस को करने वाले हैं। अगर आपने फर्स्ट पार्ट मिस कर दिया है और अगर डाउट में है कि फर्स्ट पार्ट देख कैसे आए, तो नहीं देखने पर चलेगा, आप इस वीडियो के एंड में जाने पर आप लोगों को वो वीडियो मिल जाएगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन पे दे देता हूँ, वहां से भी जाके आप उनको देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट, डिस्कशन करते हैं सिस्टमैटिक। टॉपिक वन और टॉपिक टू को हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट किया है, तो आज हम लोग करने वाले हैं टॉपिक नंबर थ्री सिस्टमैटिक स्टडी में। सिस्टमैटिक स्टडी में जो मेरे सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स है वो कुछ इस तरह से स्टार्ट होते हैं कि बच्चों के मन में अभी ये सवाल है कि सर हमारे पास इतने सारे चैप्टर्स है। तो आप लोगों को अब तक पता चल चुका है हमारे पास टोटल 13 चैप्टर्स है। अब क्वेश्चन मन में ये है कि इन 13 चैप्टर्स में से हमें किन चैप्टर्स की प्रिपरेशन करनी है, किन्हें पहले पढ़ना है, किन्हें बाद में पढ़ना है, इन सारी चीजों को हम लोग अब जानने वाले हैं। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा, इस 13 चैप्टर को मैं दो पार्ट में डिवाइड करने वाला हूँ। एक जगह पर हमारे टोटल चार चैप्टर्स का कलेक्शन आने वाला है और एक जगह पर हमारे पास 9 चैप्टर्स के कलेक्शन आने वाले हैं। ये जो चार चैप्टर्स के कलेक्शन आने वाले हैं इनमें कौन सा चैप्टर्स है, तो इनमें मेजरली हम लोग डिपेंड करता है किसमें सबसे ज्यादा मार्क्स है। 12 मार्क्स जो कि लाइट में है, 12 मार्क्स जो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में है, 8 मार्क्स जो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है, 8 मार्क्स जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है। तो ये हमारा हो जाता है टोटल 40 मार्क्स का, क्लियर। और इन 9 चैप्टर्स में हमारे पास 50 मार्क्स है। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि चैप्टर्स है हमारे पास 4 और मार्क्स मिलेगा 40, यहाँ पर चैप्टर्स हमारे पास 9 और मार्क्स मिलेगा 50। ऑब्वियस सी बात है, कम पढ़ाई करके ज्यादा अगर आउटपुट लाना चाहते हैं तो आपके पास ये टारगेट होगा। नहीं, मेरा तरीका इसमें थोड़ा अलग है। मेरा एक्सपीरियंस ऐसा देख रहा है, मुझे ऐसा दिखा रहा है कि पिछले कुछ सालों में मैंने देखा है कि मुझे भी पहले लगा कि ये स्ट्रैटेजी शायद ज्यादा फ्रूटफुल होगी कि कम प्रिपरेशंस करने पर बच्चे जल्दी याद कर पाएंगे, ज्यादा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। बट मैंने देखा कि चूंकि चैप्टर इतना लेंदी है इसलिए डेप्थ के क्वेश्चंस जब पूछे जाते हैं बच्चे परफॉर्म नहीं कर पा रहे। तो मैंने स्ट्रैटेजी बनाई है कि आप पहले इन 9 चैप्टर्स पर काम करो, और लास्ट ईयर मैंने देखा इस पर मेरी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी रही, बच्चों का आउटकम मुझे ज्यादा अच्छा मिला। जहां पर मैंने चैप्टर 9 चैप्टर्स, ये जो 9 चैप्टर्स है, ये जो छोटे छोटे 9 चैप्टर्स है, इनको पढ़ के वो 50 मार्क्स की तैयारी जल्दी कर पा रहे हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है, तो मुझे जो समझ आए साइकोलॉजिकली क्या हो रहा है, छोटे चैप्टर्स है, आप जल्दी कंप्लीट कर ले हो तो आपको लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है और आप सेटिस्फाई हो जा रहे, क्योंकि इतना सा करने पर मेरा आज का काम कंप्लीट हो जाएगा, इतना सा करने पर आपको एक रिवॉर्ड मिल रहा है। सेटिस्फेक्शन का ये जो रिवॉर्ड आपको मिल रहा है ना, इसी वजह से आप इनको विथ प्रॉपर पेस कर रहे हो। वेयर एज जब मैं उनको वही लाइट वाले चैप्टर के लिए कह रहा था तो उनके मन में क्या हो रहा था, इतना कुछ पढ़ने के बाद भी अभी तक चैप्टर खत्म नहीं हुआ, वो सेटिस्फाई फील नहीं कर रहे थे। इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को भी अपनी स्ट्रैटेजी में चेंजेस करके पहले इन 9 छोटे छोटे चैप्टर्स को प्रिपेयर कर लेना चाहिए। 50 मार्क्स मेजर मार्क्स तो वही है, इसके बाद इन 4 चैप्टर्स पर प्रिपरेशन करके इन 40 मार्क्स पर करना है। इसमें क्या करना है, इसमें जिसमें सबसे कम मार्क्स है जैसे कि ये 8 मार्क्स वाला ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक, पहले उनको कर लीजिए, उसके बाद लाइट और करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर्स पर ध्यान दीजिए। इस तरह से आपके पास जो टाइम होगी, जो स्ट्रैटेजी बनती है, उसके अंदर विद इन टाइम आप अपना सिलेबस खत्म कर पाओगे और आपको खुद से पता होगा मैंने कितने की तैयारी की है। तो ब्लूप्रिंट की स्ट्रैटेजी के साथ मेरी ये एक स्ट्रैटेजी आती है। अब हम आते हैं क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड एक ऐसे पॉइंट पर जिसके बारे में आपको पहले से पता होना चाहिए, और वहां पर मैं अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में बताता हूँ। टॉपिक नंबर 4 क्वेश्चन पेपर एनालिसिस। इस एनालिसिस में मैं आप लोगों को क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूं, जिसमें पहले ग्रुप ए के बारे में बात करते हैं। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि ग्रुप ए के बारे में बताया गया है
ऑल मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जितने भी क्वेश्चंस होंगे ग्रुप ए में ऑल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होने वाले हैं, एमसीक्यू। हम लोगों को पता है सारे क्वेश्चंस कंपलसरी है, देयर विल बी नो ऑल्टरनेटिव टू एनी ऑफ द क्वेश्चन इन दिस ग्रुप। इस ग्रुप में कोई भी आपको ऑल्टरनेटिव नहीं मिलने वाला। तो ग्रुप ए के बारे में आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, कोई ऑल्टरनेटिव नहीं मिलेगा, जितने क्वेश्चन आएंगे सारे कंपलसरी है, क्लियर। यहाँ पर याद रखिए एमसीक्यू को आप अपना टारगेट बनाते वक्त ध्यान रखना है कि एमसीक्यू करने का मतलब है आपने अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट किया है, वरना जिस चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं उसके एमसीक्यू को कीजिए। यहाँ पर मेरा सजेशन क्या होता है, मेरा सजेशन होता है कि चैप्टर में जो क्वेश्चन के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं वो होते हैं 1 मार्क्स 2 मार्क्स और 3 मार्क्स। ज्यादातर बुक में आप लोगों को 3 मार्क्स दिखेगा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में 3 मार्क्स का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत कम एग्जिस्ट करते हैं। इसलिए 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के क्वेश्चंस को प्रिपेयर कीजिए। मैं फिजिकल साइंस की बात कर रहा हूँ, 3 मार्क्स के एक क्वेश्चन, ऐसे बहुत कम क्वेश्चंस है। ज्यादातर जगह पर आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन दिखेगा 2+1, 1+2, क्लियर। 1+1+1 भी पॉसिबल है, लेकिन ये आपको दिया नहीं जाएगा, आपको इन्हीं दोनों में से कोई ऑप्शन दिया जाएगा। 1+1+1 डब्ल्यू बी नहीं मना करके रखा हुआ है, उन्होंने कहा है 1+2 और 2+1। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, उनका ही कहा हुआ है, मैं आपको थोड़ी देर में प्रूफ भी बता दूंगा, डोंट वरी। तो 3 मार्क्स के क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन 2+1 और 1+2 मेजर क्वेश्चंस में होता है, बहुत कम ऐसे क्वेश्चंस है जहां पर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का आएगा। तो जब आप 2 मार्क्स और 3 मार्क्स को प्रिपेयर करेंगे ना, जब आप क्वेश्चन, सिर्फ आपका प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी 2 मार्क्स और 3 मार्क्स है, तब आप मुझे उस वाले स्ट्रेटेजी को फॉलो कीजिए जो मैंने आपको तब बताई कि आपको पूरे सिलेबस में से किस चैप्टर को पहले पढ़ना है, किस चैप्टर को बाद में पढ़ना है। लेकिन जब आपका प्रिपरेशन एमसीक्यू यानी ग्रुप ए के लिए हो, क्लियर, और या फिर जब आपकी स्ट्रेटेजी ग्रुप बी के लिए हो, जहां पर आपके पास वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, आप देख पा रहे हैं हमारे पास ग्रुप ए और ग्रुप बी दोनों की बात की गई है, ग्रुप बी में भी हमारे पास लगभग उसी टाइप के क्वेश्चन है, वीएसए वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, इसमें क्या आता है, सिंगल वर्ड वाला आंसर आएगा, कॉलम मैचिंग वाला आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स आएगा और ट्रू फॉल्स आएगा। ये सारे क्वेश्चंस के बारे में भी मैं बताता हूँ, इस टाइप के क्वेश्चंस, इनके लिए मेरी स्ट्रेटजी होती है पूरा बुक पहले कंप्लीट कर लीजिए। पूरी बुक कंप्लीट हो जाने के बाद आप लोगों को खुद से पता है कि हमारा एमसीक्यू रेडी है और हमारा वीएसए रेडी है। अब यहाँ पर वीएसए के बारे में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताने वाला हूँ, पॉइंट्स बताने वाला हूँ, शायद आपको पता है, नहीं पता है तो जान लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, क्वेश्चन पेपर एनालिसिस का ये पार्ट है। तो देखिए उन लोग बोर्ड ने ऑलरेडी ये बता रखा हुआ है, इस ग्रुप में हमारे पास जो क्वेश्चंस आने वाले हैं, यहाँ आपको समझना है कि टोटल हमारे पास 6 alternate questions आने वाले हैं, 6 alternatives आने वाले हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस के बारे में बताता हूँ, 6 questions आने वाले हैं जिसमें कुछ alternatives हैं। कह रहा है कि alternative to one question from the common area, common area हमारा कौन सा है, physics, जो हमारे physics से पहले यानी chapter number 1, 2, 3 है, वो हमारा common area। Common area में कह रहा है कि एक question पर alternative आएगा। 2 questions from physics, मतलब हमारे पास जो chapter है 4, 5, 6, 7, इनमें से 2 questions पर वो लोग alternative देंगे। And 3 questions from chemistry will be given. Chemistry से कितने alternative question दिए जाएंगे? 3. मतलब जो भी questions दिए जाएंगे उसमें alternative रहेगा. All alternative will be from the same theme or sub theme. ये जो alternative की बात की गई है, उसका theme और sub theme बोला है same mention करने के लिए, maintain करने के लिए. क्या मतलब? मतलब कि light के साथ अगर आपको alternative question दिया जा रहा है, तो उसको light का ही होना होगा. Light के साथ आपको alternative में electricity नहीं दे सकता. तो आपको समझ आ गया? एक और चीज बताऊंगा मैं थोड़ा देर में, जो बच्चे न्यूमेरिकल से थोड़े परेशान हैं कि न्यूमेरिकल हमसे नहीं हो रहा, उनके लिए क्या है, बोर्ड ने उनके लिए भी कुछ रूल्स बताए हैं, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। मैं ग्रुप सी की तरफ बढ़ता हूँ। तो देखिए अब तक जो मैंने बताया, ग्रुप ए और ग्रुप बी ये हमारे सभी 1 मार्क्स के क्वेश्चन को कैरी करते थे। ग्रुप सी में जो हमारे पास क्वेश्चन आता है, ये हमारा 2 मार्क्स के क्वेश्चन का सिलेक्शन है। यहाँ क्या कहा है बोर्ड ने, ABCD करके ऑप्शन दिया गया है। ए देखिएगा यहाँ पर, फ्रॉम कॉमन एरिया विल हैव टू बी आंसर्ड, यानी 2 questions आपको कॉमन एरिया में से दिए जाएंगे जो कि 2 मार्क्स के होंगे। There will be 1 question from the same theme, okay? तो एक alternative question दिया जाएगा और 2 questions में से किसी एक के साथ alternative रहेगा। मतलब इसमें 2 questions दिए गए, मान लेते हैं question number 1 और question number 2 है, तो 1 या 2 किसी एक के साथ एक alternative आपको मिलने वाला है। इसी तरह से अब जब 2 questions attempt करने होंगे physics में से, इसमें आपको एक alternative मिलेगा। और यहाँ पर chemistry में बताया जा रहा है कि 5 questions will have to be answered और 3 alternative दिए जाएंगे। तो सेक्शन सी में जहां पर 2 मार्क्स के क्वेश्चंस है, वहां पर देखना है, पहले तो बोल रहा है कि कॉमन एरिया में से कितने क्वेश्चंस आएंगे, 2 आएंगे और 2 में 1 alternative आपके पास रहेगा, यानी कि यहां पर आपको 2+1 मिलने वाला है, 1 question alternative में है। फिजिक्स के बारे में बोल रहा है, यहां पर भी 2 questions आएंगे और 1 alternative आपको दिया जाएगा। तो
यहाँ पर भी आपको मिल रहा है, और केमिस्ट्री के बारे में बोला कि आपको यहाँ 5 क्वेश्चन आंसर करने पड़ेंगे और यहाँ पर आपको 3 ऑल्टरनेटिव मिलेगा, मतलब टोटल 8 क्वेश्चन दिखेंगे। ये है सारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन, लेकिन ऐसा नहीं कि 8 दुनी 16 मार्क्स मिलने वाला है, ये आपको इस तरह से स्ट्रैटेजी बताई गई ग्रुप सी की। अब मैं आपको ग्रुप डी पर लेके चलता हूँ। ग्रुप डी के साथ हमारा क्वेश्चन पेपर खत्म होता है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो इन्होंने बोर्ड में बता रखे हैं मैं उनको भी डिस्कस करूंगा। तो पहले ग्रुप डी के बारे में बताता हूँ। चलिए अब हम ग्रुप डी का डिस्कशन करते हैं। ग्रुप डी के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि ग्रुप डी 3 मार्क्स के क्वेश्चंस है, और ग्रुप डी में जो हमारे पास क्वेश्चंस है वो फिजिक्स केमिस्ट्री और कॉमन एरिया में से कैसे पूछता है। तो आप यहाँ पर अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा गया है कि 2 क्वेश्चंस फ्रॉम कॉमन एरिया, यानी जो कॉमन एरिया वाला पार्ट है वहां आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक आपके पास दोनों में से एक क्वेश्चन पर ऑल्टरनेटिव दिया जाएगा। यदि आपको क्वेश्चन 3 दिखेंगे, क्वेश्चन एक्चुअली 2 दिखेगा, उसके अंदर में किसी एक में ऑल्टरनेटिव होगा। चलिए फिजिक्स में से देखते हैं क्या बोला गया है। फिजिक्स के बारे में इनका कहना है कि यहाँ पर 6 क्वेश्चंस दिखेंगे और आपको ऑल्टरनेटिव मिलने वाले हैं 3, मतलब यहाँ पर 6 क्वेश्चन के अंदर में किसी भी 3 क्वेश्चंस पर 3 ऑल्टरनेटिव दिखने वाला है। केमिस्ट्री में क्या होने वाला है, केमिस्ट्री के बारे में उनका कहना है कि जब वो केमिस्ट्री देंगे तो वहां पर देयर विल बी 2 ऑल्टरनेटिव्स एंड 4 क्वेश्चंस, यानी यहाँ पर 4 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और 2 ऑल्टरनेटिव दिए जाएंगे 3 मार्क्स वाले सेक्शन में। इसके बाद क्या कहा गया है, इन्होंने कहा है कि इन दिस ग्रुप 3 मार्क्स क्वेश्चंस विल बी ब्रोकन इनटू 2+1। तो यहाँ पर जो भी 3 मार्क्स के क्वेश्चन है उनको 2+1 में ब्रेक किया जाएगा। इससे एक बात क्लियर हो जाता है कि 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन देने की अथॉरिटी उनके पास नहीं है, बट फिर भी टू बी इन द सेफ साइड मैं कुछ चीजें आप लोगों को 3 मार्क्स वाला करवा के रखूंगा, क्योंकि 3 मार्क्स में से तोड़ के 2 मार्क्स निकालना ये भी किया जाता है। तो इसके बारे में मैं जब चैप्टर वाइज सजेशन पब्लिश करूंगा तब बता दूंगा कि इस क्वेश्चन को 3 मार्क्स का है लेकिन 2+1 में कैसे ब्रेक कर सकता है, ये मैं सजेशन के दौरान बता दूंगा। इतने दूर तक तो सारे पॉइंट क्लियर हो गए हैं। चलिए फिर भी मैं जो रिमेनिंग 2 पॉइंट्स है हमारे पास 5 नंबर और 6 नंबर उसके बारे में भी डिस्कस करता हूँ। 5 नंबर में उन्होंने कहा है ऑल ऑल्टरनेटिव शुड बी इंटरनल, दैट इज ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन ऑफ 2A शुड बी डिजाइंड एज 2A क्वेश्चन और क्वेश्चन 2B एक्सेट्रा, मतलब जब भी क्वेश्चन का डिजाइन होगा हर एक क्वेश्चन के साथ 2A और दूसरा क्वेश्चन, जब बच्चे नंबरिंग करेंगे तो अगर वो 2A को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो 2A लिखेंगे, और अगर उसके और वाले को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो 2A और लिख के करेंगे। क्वेश्चन का नंबरिंग इस तरह से होना चाहिए। इसके अलावा जो न्यूमेरिकल वाले बच्चों की प्रॉब्लम थी उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन विल हैव ऑल्टरनेटिव आइटम फ्रॉम द सेम थीम एंड सब थीम, तो न्यूमेरिकल वाले केस में साफ बोला गया है उसमें ऑल्टरनेटिव आपको देना ही पड़ेगा। अब न्यूमेरिकल्स के ऑल्टरनेटिव में जो क्वेश्चन आया है वो भी न्यूमेरिकल हो सकता है, इसके भी चांसेस हैं। इसीलिए कुछ ऐसे चैप्टर जिसमें एक ही चैप्टर है, पर्टिकुलरली चैप्टर नंबर 3 जो कि कॉमन एरिया से बिलोंग करता है, केमिकल कैलकुलेशन का चैप्टर नंबर 3, इस चैप्टर के बारे में मैं कहूंगा इसमें आपको न्यूमेरिकल अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। मैंने पूरा डेडिकेटेड वीडियो बना दिया है, उस वीडियो से इसको कंप्लीट कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देता हूँ, उसे कंप्लीट कीजिए, चैप्टर नंबर 3 आपका पूरी तरीके से रेडी हो जाएगा, बोर्ड का कोई क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं चैप्टर नंबर 3 में अगर आपने इसे रेडी कर लिया। इसके अलावा बाकी किसी भी चैप्टर में न्यूमेरिकल के ऑल्टरनेटिव में न्यूमेरिकल आने के चांसेस कम होते हैं। न्यूमेरिकल के ऑल्टरनेटिव में आपको डेरिवेशन बेस्ड क्वेश्चंस या फिर न्यूमेरिकल के ऑल्टरनेटिव में कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछ दिए जाएंगे। तो न्यूमेरिकल जिन बच्चों को प्रॉब्लम है उनका उपाय उनके पास ही है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन न्यूमेरिकल्स को पूरी तरीके से बात देना ये कोई उपाय नहीं है। पूरी तरीके से बात देने पर आपके कुछ मार्क्स डिडक्ट होने वाले हैं। तो अब आपकी स्ट्रैटेजी कैसी हो पा रही है, अब क्या आपको लग रहा है कि हाँ आप भी रेडी है जिस गोल को अचीव करने के लिए आज के इस वीडियो में आप आए थे। यू वॉन्टेड टू स्कोर मोर देन 19 फिजिक्स एंड यू वॉन्टेड माई हेल्प कि मैं आप लोगों को वो चीजें बताऊं, वो चीजें समझाऊं जिससे आपको हेल्प मिले। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है, मैंने हर वो चीज बताने की कोशिश की जो बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए प्रोडक्टिव और फ्रूटफुल है, इस एक वीडियो को एक लाइक दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ऐसे कंटेंट आपको चाहिए कमेंट करके बता दे, और अगर आपको कंटिन्यूएशन इस तरह के कंटेंट्स पे चाहिए तो ऑब्वियसली बात है चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ रहना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा। सब्सक्रिप्शन से है फ्री, आप लोग जब सब्सक्राइब करते हैं मुझे मोटिवेशन मिलती है कि हाँ मैं अपने इस कंटेंट को आगे लेके जाऊं, क्योंकि बच्चे इसके साथ चाहते हैं ऐसे कंटेंट्स। तो आप लोग लाइक और सब्सक्रिप्शन पे ध्यान दीजिए, बाकी इस तरह के कंटेंट के लिए हमारे साथ बने रहिए। आज के इस वीडियो में हमारा बस गोल था आप लोगों को ये समझाना, मैंने कोशिश की है। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक दे दीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन डू टेक केयर एवरीवन।